बिहार के विजय सिन्हा ने आतिशी मार्लेना के दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर बिठाए जाने को लेकर कहा कि अरविंद केजरीवाल जी आप एक डमी मुख्यमंत्री घोषित कर आखिर क्या साबित करना चाहते हैं। आपके इस नवनियुक्त मुख्यमंत्री के परिवार ने भारतीय संसद पर हुए हमले के मुख्य आरोपी अफजल गुरु को बचाने की भरपूर कोशिश की थी। अपने बाप दादाओं के सरनेम की जगह ये मार्लेना और लेनिन को जोड़कर सरनेम लिखती हैं। इन बातों से जाहिर है कि इनकी सोच भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति क्या है। कि ये उस परिवार से हम सम्मान करते हैं महिला का, लेकिन एक ऐसे परिवार से जो अफजल गुरु का निर्दोष है ये साबित करने में हर जगह माननीय न्यायालय से राष्ट्रपति तक पूरी ताकत लगा दिया। आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति क्या दिल्ली देश की राजधानी है? ऐसे लोग को दिल्ली का कमान देना क्या संदेश देता है? केजरीवाल जी, पंजाब में आपने किसके साथ, खालिस्तानियों के साथ समझौता किया और अब दिल्ली को आतंकवादियों के हवाले करेंगे? और कोई अच्छे लोग नहीं थे? ये ध्यान रखिए कि डम्मी सीएम बना करके जो आसानी से फिर आपके हाथ में सत्ता सौंप दे, ये व्यवस्था नहीं। अगर जो महिला को आप सीएम बनाए हैं तो है हिम्मत घोषणा करने का कि यह महिला आगे भी काम करेगी और इसके परिवार के लोग जो आतंकवादियों के पक्ष में बोला है वो माफी सार्वजनिक तौर पर मांगेगा? भारत के और मां भारती के संतानों के प्रति पूरी तरह से वचनबद्धता निभाएगा? ये घोषणा भी करवाना होगा आपको, क्योंकि एक आतंकवादी के साथ सहानुभूति रखने वाला देश का हितैषी नहीं हो सकता।